हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्दी बाइट्स। अक्सर मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो आके ये प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं कि हमारा सर वेट जो है वो बहुत अधिक है। हमने कई बार प्रयास किया, हमारा वेट जैसे कि 100 किलो था वो कम होके 80 केजीज रह गया, 20 किलो का लॉस हो गया, लेकिन वेट जो है वो बढ़ना स्टार्ट हुआ। सबसे पहले ये समझते हैं कि जिन लोगों का वेट ज़्यादा होता है, जिसको हम ओबेसिटी बोलते हैं, वो जब मोटिवेट होते हैं कि हमें अपना वेट कम करना है, तो वो डाइटिंग, एक्सरसाइज, प्रोफेशनल हेल्प जैसे कि डाइटिशियन की एडवाइस, कोई जिम, फिटनेस कोच, ऑनलाइन सर्विसेज, इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, वो अपने रिजल्ट्स को अचीव करते हैं। सो फर्स्ट लेट अस फोकस अपॉन डाइट। जब कोई अपना वेट लॉस स्टार्ट करता है तो आमतौर पे आपने सुना होगा कि वो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का इस्तेमाल काफ़ी कम कर देते हैं। बॉइल्ड सब्जियां और फ्रूट सैलेड ये डाइट में ज़्यादा बढ़ जाता है। अनाज जैसे कि गेहूं, चावल, तला हुआ, एक्स्ट्रा मीठे वाली चीज़ें, ये सब चीज़ों का अवॉइड करना स्टार्ट करते हैं, विच इज़ वेरी गुड। और इसके चलते उनको एक पॉजिटिव हेल्थ में बेनिफिट्स मिलते हैं और साथ में ही उनका वेट कम होना स्टार्ट होता है। इसकी सहायता के लिए साथ में एक्सरसाइजेस यानी कि योग, एरोबिक्स, जुम्बा, रनिंग, साइकिलिंग, प्रॉपर जिम में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना, ये सारी चीज़ों को साथ में किया जाता है ताकि उधर डाइट अपना काम कर रही है और एक्सरसाइज से वो अपना वेट कम कर रहे हैं। कुछ लोग प्रोफेशनल जिम कोचेज का या ऑनलाइन ट्रेनिंग साइट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग फार्माकोलॉजिकल यानी कि मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि मॉडर्न मेडिसिन की हो सकती हैं, अल्टरनेटिव मेडिसिन की हो सकती हैं, या किसी तरीके के कोई हेल्थ सप्लीमेंट्स हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें वेट लॉस तो अचीव करती हैं। लेटर से किसी का वेट 95 किलो था, कम होते होते 75 पे पहुंच गया। वापिस से वजन का बढ़ना क्यों स्टार्ट होता है, आप सबको इसको सरल रूप से समझाने के लिए मैंने ये पॉइंट्स आपके साथ में डिस्कस करने का विचार बनाया। तो जब प्रॉपर डाइटरी रेजीम बहुत अच्छे से फुल स्केल पे चल रहा होता है, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी क्रेव करती है, उसको एक लालसा होती है वापिस से उन्हीं फूड प्रोडक्ट्स को प्राप्त करने की जिससे हमने उसको वंचित रखा हुआ है। तो सालों दर सालों जो हम कार्बोहाइड्रेट्स और फैट की मात्रा ले रहे होते हैं, जब हम पिछले 2-3 महीने से बॉडी को वो नहीं दे रहे, तो हमारे अंदर कुछ केमिकल्स, कुछ हॉर्मोन्स इस तरीके के क्रेविंग पैदा करती है जिससे कि हमारी बॉडी फूड को वापस मांगती है। देन कुछ लोग बहुत एम्बिशियस होके अपनी डाइट को इतना ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, पार्टी में भी वो केवल सैलेड खाते हैं या वो अनाज खाना स्टॉप कर देते हैं। ये सारी चीज़ें एक लंबे अरसे के लिए इम्प्रैक्टिकल होती हैं। आप ये चीज़ 15 दिन 1 महीना तक तो कर सकते हैं, लेकिन आप एक नॉर्मल लाइफस्टाइल को स्विच ओवर करके इसी चीज़ पे रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए डाइट के साथ ये गोल टेम्परेरी रूप से अचीव होता है, बट ये लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं रह पाता। सिमिलरली जो व्यक्ति पहले कभी भी एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं करता था, वो अ पीरियड ऑफ 1 month या 2 month अगर इंटेंस वर्कआउट करता है, तो वो अपना रोज का एक एक्स्ट्रा टाइम इस एक्टिविटी को दे रहा है, उसकी बॉडी धीमे धीमे करके एक आदत में जाना स्टार्ट कर देती है, जिसके चलते देर इज ए रिलीज ऑफ हॉर्मोन्स, सम केमिकल्स, जिसके चलते बॉडी में एक एक्स्ट्रा लोड का आना स्टार्ट हो जाता है। बॉडी क्रेव करती है फॉर रेस्ट, वो वापस से आपको उसी लाइफस्टाइल में लाने के लिए उकसाना स्टार्ट कर देती है। सिमिलरली वजन कम होने से, एक्सरसाइज करने से और डाइट में चेंजेस आने की वजह से आपकी बॉडी का जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, इसको BMR बोलते हैं, जो कि एक बॉडी कितनी एनर्जी, कितनी कैलोरीज यूज कर रही है, ये बेसल मेटाबॉलिक रेट ये उस चीज़ का एक मानक है। तो
जब आप वेट लूज कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, यानी कि इवन एट रेस्ट आपकी बॉडी ज्यादा चीजों की खपत कर रही है। अब इधर बीएमआर बढ़ गया, हमने अपनी डाइट को एडजस्ट नहीं किया, हम एक्सरसाइज कंटिन्यू किए जा रहे हैं, तो इसकी वजह से बॉडी में से प्रोटीन और मसल्स का लॉस होता है, जो कि आपको वापस खींच के पुरानी लाइफस्टाइल में लाने का प्रयास करते हैं। ये सब चीजें जब प्रैक्टिकली आदमी नहीं कर पाता है, तो फिर से वही साइकिल स्टार्ट होता है। बिंज ईटिंग, यानी कि एक टाइम पे बहुत ज्यादा खाना, वापस से लेजीनेस का आना या इंजरी हो जाना, जिसके चलते वापस जिम का छूटना या सेशंस को स्किप करना, आप एक्स्ट्रा टाइम इन सारी चीजों को दे रहे थे, इसकी वजह से आप सडनली लेजी हो जाते हो और अपने इस बढ़िया वर्कआउट या मोटिवेटिंग स्केड्यूल को मिस करना स्टार्ट कर देते हो। इसका नतीजा ये होता है कि जो आपको पहले बहुत बढ़िया बेनिफिट्स मिले थे वेट लॉस में, वो धीमे धीमे लूज होना स्टार्ट होते हैं, एंड यू स्टार्ट रीगेनिंग वेट। आप वापस से अपने वेट को रीगेन करना स्टार्ट करते हैं। जो सफर एंथुजियाज्म से स्टार्ट हुआ था, वो अक्सर डिप्रेशन, डिस्पेयर, एक्सक्यूज, बहानों के साथ में खत्म हो जाता है, और व्यक्ति सोशली भी एक तरीके से हताश होता है कि मैं ये चीज अचीव नहीं कर पाया। ये तो मैंने आपको मेन कारण बताया कि वेट लॉस के बाद रीगेन की क्या वजह होती है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि हम इस साइकिल को कैसे तोड़ सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इन डाइट, डिसिप्लिन इन लाइफस्टाइल एंड एक्सरसाइज, एंड डिसिप्लिन इन टाइम मैनेजमेंट। तो पहले कमिंग टू डिसिप्लिन इन डाइट, आपको ऐसी कोई एब्सोल्यूट डाइट को नहीं एक्वायर करना है जिसको कि आप जीवन भर फॉलो ना कर पाए। यानी कि कुछ लोगों का, जिनका स्वीट टूथ है, जिनको मीठी चीजें बहुत ज्यादा पसंद है, तो हम उन्हें ये बोल दें कि आप जीवन भर मीठा मत खाओ, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो डाइट में एक डिसिप्लिन ला सकते हैं कि अगर उनको मीठा खाना है तो सप्ताह में एक बार वो मीठे का सेवन करें, और जिस दिन वो मीठा ले रहे हैं तो वो किसी और चीज को उस दिन अवॉइड करें, जिससे कि आप अपनी डाइट को कंट्रोल में रख सकते हैं। उसी प्रकार से आपको कंप्लीटली अनाज यानी गेहूं चावल या घी तेल मक्खन को कंप्लीटली छोड़ने की जरूरत नहीं है, जरूरत है उसको रेगुलेट करने की। आप कंट्रोल्ड वे में इन चीजों का सेवन कीजिए, लेकिन रोज बाहर का खाना ऑर्डर करना, बहुत फ्रीक्वेंटली पार्टी करना, एल्कोहल कंज्यूम करना, जंक फूड खाना, ये चीजें आपके हाथ में हैं। इसको आपको डाइटरी डिसिप्लिन के साथ में करना है। लॉन्ग टर्म करने से आपकी बॉडी के हॉर्मोन्स का जो इम्बैलेंस होता है, वो बिल्कुल सामान्य रूप से इसको एक्सेप्ट कर लेगा, एंड ये डाइट आपके वेट को मेंटेन करके रखेगी, ना एकदम से बढ़ने देगी ना एकदम से डाउन जाने देगी। नाउ कमिंग टू एक्सरसाइज, तो उसी तरीके से यू शुड एम फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल। समय पे उठना, समय पे सोना, बहुत एक्स्ट्रा टाइम टीवी, सोशल मीडिया, मोबाइल को अवॉइड करना, डेली का कुछ ना कुछ वर्कआउट जरूर करना। अवर बॉडी इज वेरी इंटेलिजेंट, वो किसी भी चीज को भांप लेती है कि आज उसके साथ में यही चीज रिपीट होने वाली है, तो अपनी बॉडी को हमेशा नया प्लान देके रखिए। तो आप सप्ताह में 2 दिन एक्सरसाइज, जिम, वेट ट्रेनिंग कीजिए, तो 1 या 2 दिन कोई गेम, कोई स्पोर्ट हो गया, बैडमिंटन हो गया, या कोई डांस हो गया, आपकी कोई हॉबी हो गई, वो वाला काम कीजिए, 1 या 2 दिन योगा कीजिए। मिक्स करते रहिए अपनी चीजों को, जिससे कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी बनी रहे। तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में कोई एक चीज में एक्स्ट्रा ट्राई करने की भी जरूरत नहीं है, एंड आपकी कैलोरीज भी बर्न होती रहेंगी, और इससे आपका बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट भी एक स्तर पे बना रहेगा। देन टाइम मैनेजमेंट, आप अपने टाइम को अगर परफेक्टली मैनेज करें, यानी कि करेक्ट टाइम पे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर लें, तो बीच में बिंज ईटिंग या फूड क्रेविंग नहीं होगी। आप अपना समय पे काम फिनिश करके एक्सरसाइज और अपनी हॉबी के लिए एक
प्रॉपर स्केड्यूल टाइम निकालें, तो इन सब चीजों से आपकी कमिटमेंट टुवर्ड्स योर वेट लॉस बहुत हाई रहेगी। योर डिसिप्लिन विल हेल्प यू अचीव वंडरफुल रिजल्ट्स जो कि लंबे होंगे, बहुत सस्टेन्ड होंगे, एंड ये अक्सर एक अच्छा लाइफस्टाइल का पैटर्न बन जाता है। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि आपके सर्कल में जो लोग फिट हैं वो अक्सर डिसिप्लिन्ड होते हैं और वो चीज़ों को एक रेगुलर वे में बिना एक्स्ट्रा प्रयास के लगातार करते चलते हैं, इसीलिए वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल कंटिन्यू करते हैं। जिन लोगों का वेट 100 किलो 110 किलो से भी अधिक होता है, इनको हम मेडिकल भाषा में मॉर्बिड ओबेसिटी का नाम देते हैं। ये एक स्पेशल सबसेट है पेशेंट्स का जिनमें ये सारी चीज़ें सिंपल लाइफस्टाइल या डाइट या एक्सरसाइज अक्सर काम नहीं करता। इन पेशेंट्स को डायबिटीज़, बीपी, जोड़ों का दर्द, सांस की दिक्कत, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ये वाली प्रॉब्लम भी साथ में हमेशा प्रभाव या अफेक्ट करती हैं। इन मॉर्बिडली ओबीस पेशेंट्स को एक बैरियाट्रिक सर्जन मोटापा कम करने की जो सर्जरी होती है वो करने वाले विशेषज्ञ की सलाह की ज़रूरत पड़ती है। सो आई होप गाइस आपको ये आज का टॉक जो है वो समझ आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। योर पॉजिटिव कमेंट्स आर वेलकम इन द कमेंट बॉक्स। स्टे ट्यून्ड, वी विल बी बैक अगेन विद मोर सच फैक्ट्स ऑन हेल्दी बाइट्स। थैंक यू।